विचारधारा है, ये विचारधारा है, ये कोई पूजा नहीं है, इसको क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सम्राट अशोक धाम विजय दिवस महोत्सव में इस कार्यक्रम में आप पधारे हुए हैं, इसके लिए आपको आयोजक सम्राट अशोक बुद्ध विहार मंच की ओर से साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन किया जाता है। आपका क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लिया। बुद्ध एक विचारधारा से, बुद्ध पढ़ने का चीज़ है, उनकी विचारधारा पर चलने का चीज़, पूजने का चीज़ है, तो आप लोग कहीं पूजने की ओर तो नहीं पढ़ रहे हैं? आपका क्वेश्चन है कि बुद्ध को पूजने के लोग नहीं हैं, बल्कि उनके एक विचार है, एक फिलोसफी है, तो मैं इस संविधान तक चैनल के माध्यम से निर्देश देना चाहता हूँ। तथागत विश्वगुरु गौतम बुद्ध अपनी देशना में अक्सरहा कहा करते थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं बल्कि मार्ग प्रशस्त करता हूँ, और मेरा मार्ग मेरा विचारधारा का अनुसरण करके जो आगे बढ़ेगा, जो इस मार्ग पर चलेगा, वह निश्चित तौर पर अपने शीर्ष नेतृत्वकर्ता के पंक्ति में सर्वसर्व उत्कृष्ट होगा। तो सर आपका जो कार्यक्रम है, मैं मुझे तो लगा कि केवल नाच गान होगा, लेकिन एक जागरूकता कार्यक्रम, तो क्या नाटक वगैरह की व्यवस्था की है, जहाँ तक आता है बुद्ध के विचारधारा को या भीम के विचारधारा को बढ़ाया जा सके? देखिए बात ऐसा है कि नाटक क्या होता है, नाटक एक मनुष्य का एक कल्पना है, और उस कल्पना को इस किसी भी मंच के माध्यम से भीम साहब के विचारधारा को, आइडियोलॉजी को एक नाटक के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का सहज तरीका होता है, आसान से लोग समझ पाते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। आसान तरीका से समझ पाते हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है जन जागृति का कार्यक्रम है, ये जन जागृति महामानव विश्व गुरु गौतम बुद्ध जी की देशना को प्रसारित करना, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की विचारधारा को प्रसारित करना, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को प्रसारित करने का ये कार्यक्रम है। तो सारा दीक्षा भी दिया गया है एक्चुअली में, यहाँ जितने भी धर्म प्रेमी बंधु आए हुए हैं वह उपासक और उपासिका की श्रेणी में है, और उपासक उपासिका तथागत बुद्ध के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, विश्व गुरु विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी के, उनको आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकृत करने का कार्य करेंगे। बहुजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं बहुजन समाज के जितने भी नेतृत्व करता है और इसको आगे बढ़ाने वाले उपासक उपासिका है, उनको मैं यही चैनल के माध्यम से यह मतलब निर्देशित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है समतामूलक मार्ग है, इस मार्ग पर चलकर जो भी व्यक्ति आते हैं सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन अपनाते हैं, बिताते हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जीवन मानवता की सेवा करने के लिए है, न कि अपने को गलत आदतों में गलत जगहों पर अपने गलत तरीके से बच्चों को परवरिश करने के लिए नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध को पढ़ने की ज़रूरत है, बुद्ध के विचारों पर चलने की ज़रूरत है, चल करके आप सुखी संपन्न हो सकते हैं, यहाँ पर अंगुली मार डाकू जैसे लोग को भी क्षमा करके उसे जीवन कीर्तिमान कर सकते हैं। तथागत बुद्ध पूरे दुनिया में एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हुए जिन्होंने उनके शरण में जो भी गया, उनके शरण में यहाँ तक कि खुखार जलाद अंगुली माल जब गया तो उनको भी क्या किया, उन्होंने अपनी देशना के माध्यम से क्या किया, एक भिक्षु बना दिया, एक मानव से महामानव की ओर अग्रसर कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा यही है इस मंच के माध्यम से, इस संविधान तक के चैनल के माध्यम से, मैं यही बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध का मार्ग एक सुधारवादी मार्ग है, जो कोई भी व्यक्ति शरण को अपनाएगा, इस मार्ग को अपनाएगा, तथागत बुद्ध के विचार को अपनाएगा, वो निश्चित तौर पर मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसर होगा। ये सर का आइडियोलॉजी है कि जो कार्यक्रम है उसमें जन जागरूकता के लेकर कार्यक्रम है, और इस तरह से बहुजनों को एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि बहुजन बुद्ध के विचारधारा पर, बहुत सारे भीमराव के अम्बेडकर के विचारधारा पर आप चलेंगे तो सुखी हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, जहाँ पर कोई जाति पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, समता का व्यवहार यहाँ पर है, समता का विचारधारा है, इन विचारधारों के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, छुआछूत ऊंच नीच ऐसी व्यवस्था है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ देगा, आप पढ़कर प्रकांड विद्वान भी हो जाएंगे फिर भी आपको पूजा करने का अधिकार नहीं होगा, और नहीं तो आपको ऊंचे पद मिल सकता है। एक ऐसा धर्म है, एक ये धर्म है जहाँ पर समानता की भाव है, यहाँ पर सब लोग आगे बढ़ने का काम। और एक चीज मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं कहा कि मुझे पूजा करो, मुझे जाने के बाद मेरी मूर्ति बनाओ, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरे विचार को, मेरे देशना
योजना को अपने जीवन में अंगीकृत करो ताकि तुम सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन जी सको। उन्होंने बुद्ध जो है पूजने का चीज़ नहीं है बल्कि उन्हें सम्मान करने का चीज़ है। अतः हम लोग जब जब यह कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तथागत बुद्ध को, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी को, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सम्मान देने का कार्य करते हैं, सम्मानित करने का कार्य करते हैं।